बूम, जैसे ही मैंने रील्स को डिलीट किया मेरे सामने वो कंटेंट वायलेशन वाला ऑप्शन हट गया और मेरा अकाउंट बिल्कुल एकदम फ्रेश और बिल्कुल। सो गाइज, अगर आपके फेसबुक रील्स या फिर स्टार के ऊपर अर्निंग रिस्ट्रिक्शन, अनओरिजिनल कंटेंट या फिर कंटेंट वायलेशन का प्रॉब्लम आ गया है तो आज के इस वीडियो में मैं इसका 100% सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं, और साथ ही साथ आपको कौन सी गलती नहीं करनी है जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आज का ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप फेसबुक से एक भी रुपए कमाना चाहते हो तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को कंप्लीट देखा करो। अगर टेक की वीडियो को आप कंप्लीट देखते हो ना तो आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम आता क्यों है, आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, और अगर आपने गलती कर दी है तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन गलतियों को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है भाई, क्योंकि जब तक डॉक्टर आपके रोग को नहीं पकड़ता ना तब तक आपको दवाई नहीं देता है। तो आपको भी यहां पर रोग पकड़ना है तभी तो मैं आपको दवाई दूंगा, तभी तो आपका रोग फटाक से ठीक हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहली गलती आप लोग क्या करते हो कि भाई आप लोग दूसरे की वीडियो एज इट इज उठा के अपने आईडी या फिर अपने पेज के ऊपर अपलोड कर देते हो, जिससे आपको अर्निंग रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फेसबुक कंटेंट पॉलिसी में सीधा लिखा है कि एक वीडियो फेसबुक पे दो बार अपलोड नहीं होनी चाहिए। तो अब आप लोग क्या करते हो कि जैसे कि भैया मेरा रील्स है तो मैं भी, तो मेरे पास तो भी फेसबुक अकाउंट है तो मैं भी तो अपने वीडियो को फेसबुक पे डालूंगा। अगर फिर आप मेरी वीडियो इंस्टाग्राम से या फिर यूट्यूब से के कहीं आपने फेसबुक पे अपलोड कर दिया तो मेरे वीडियोस तो आपका वीडियो मैच करेगा तो आपको अनओरिजिनल कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो मोटा मोटी समझने का मतलब यही है कि आपको दूसरे की वीडियो अपलोड नहीं करनी है। अब दूसरा गलती आप लोग क्या करते हो कि भाई आपका खुद का कंटेंट होता है लेकिन आपने म्यूजिक कहीं थर्ड पार्टी ऐप से ले लिया, काइंड मास्टर से म्यूजिक को अपलोड कर दिया जो कि फेसबुक के लाइब्रेरी सॉन्ग में ऑलरेडी म्यूजिक अपलोडेड है, ठीक है, तब आपको कंटेंट वायलेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि थर्ड पार्टी ऐप से म्यूजिक नहीं लेना। अब आप लोग काफी लोग कमेंट करेंगे कि भैया मैंने तो फेसबुक के लाइब्रेरी सॉन्ग से ही म्यूजिक लिया था लेकिन मेरे में फिर भी अर्निंग रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन देखने को मिल गया। तो जी हाँ, फेसबुक पे भी कुछ कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जिनको आपको फेसबुक से उठाना नहीं है। अगर आपने उसको ऑलरेडी उठा रखा है तो आपको उस म्यूजिक को चेंज करना पड़ेगा। तीसरी गलती आप लोग क्या करते हो कि जैसे मैं इंस्टाग्राम चलाता हूं, ठीक है, मान लीजिए आप भी इंस्टाग्राम चलाते होगे या फिर मैं मौज चलाता हूं या फिर मैं कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी एप्स यूज करता हूं जिस पर मैं वीडियो बनाता हूं, ठीक है, और मैं उस वीडियो पे वहां पे मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बना लिया और मैंने वहां से अपने वीडियो को डाउनलोड करके सीधा फेसबुक पे डाल दिया और अगर ऐप का वाटरमार्क आ गया, भैया मौज का अपना वाटरमार्क होता है, इंस्टाग्राम का अपना वाटरमार्क होता है, तो आपको तीसरा गलती यह नहीं करना है कि आप कहीं से भी अपने वीडियो को डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें वाटरमार्क नहीं रहना चाहिए। अगर आपकी वीडियो में वाटरमार्क रहता तब आप में अर्निंग रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चौथा गलती आप लोग क्या करते हो तो कि चौथा गलती ये करते हो कि जैसे कि मेरा कोई एक वीडियो है, ठीक है, मेरा एक वीडियो है और जिसको मैंने डाला फेसबुक पे और वो वायरल चला गया, फिर आप लोग क्या करते हो कि उसी वीडियो को एज इट इज उठाकर फिर से फेसबुक पे डाल देते हो, तो भैया फेसबुक का रीयूज पॉलिसी के तहत आपके अर्निंग रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको एक वीडियो को बार बार पोस्ट नहीं करना है। इंपॉर्टेंट गलती आप लोग क्या करते हो, सेक्सुअल कंटेंट डालते हो, सुसाइडेबल कंटेंट डालते हो या फिर आग उग वाला कंटेंट डाल देते हो, तो भैया ये सीधा का सीधा आपको अर्निंग कर देगा, ठीक है। तो आपको भैया अगर ये सब रील्स डालोगे ना तो आपका पेज और प्रोफाइल भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है, तो आपको सेक्सुअल कंटेंट नहीं डालना है, आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं डालना है जिसमें सुसाइड या फिर मर्डर के बारे में दिखाया गया है, आपको ऐसा वीडियो नहीं डालना है जिसमें पूरा आग वगैरह लहरता रहे, वो सबको आप बढ़ावा नहीं देना है क्योंकि कंटेंट वायलेशन में यह साफ साफ लिखा है कि आप सेक्सुअल कंटेंट नहीं डाल सकते हो, कोई वायलेशन नहीं कर सकते हो और ना ही आप ऐसा कंटेंट को दिखा सकते हो जिसमें आग वगैरह रहे, सुसाइड का जिक्र रहे, ठीक है, तो आपको ये सब कंटेंट को अपलोड नहीं करना है। अब काफी लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भैया मेरे तो वॉइस ओवर के चैनल है, ठीक है, वॉइस ओवर के चैनल है, उस पे मैं वॉइस ओवर करके वीडियो डालता हूं, ठीक है, और तो फिर भी मेरा अर्निंग रिस्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है। तो भैया देखिए, वॉइस ओवर वाले के लिए एक ही बात बोलेंगे कि ये यूट्यूब नहीं है, ये फेसबुक है। आपको देखना है कि अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हो तो उसमें भी बहुत से आपको टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने होंगे, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन को आपको क्या फॉलो करना होगा कि जब आप वॉइस ओवर कर रहे हो तो आपने कहीं से भी वीडियो उठाया है, ठीक है, तो उस वीडियो में 1% भी म्यूजिक नहीं रहने देना, आपको उसके म्यूजिक को फुल्ली म्यूट कर देना है और आपको कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाना, आपको सिंपली आपको अपना वॉइस चलाना है, ठीक है। और फिर क्या करना है कि आपको चेक करना है कि ऑलरेडी किसी ने उस वीडियो को डाल तो नहीं रखा है ना अपने फेसबुक पे, ठीक है, तो आपको वॉइस ओवर भी वैसे ही वीडियो पे अभी करना है जिस पे कोई ऑलरेडी वॉइस ओवर नहीं किया हो या फिर वो वीडियो ऑलरेडी फेसबुक पे अपलोड
अपलोडेड ना हो। अगर एज इट इज उसके वीडियो पे आप वॉइस ओवर करते हो तो फिर भी आपको कंटेंट वायलेशन या फिर अनओरिजिनल कंटेंट या फिर अर्निंग रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया, तो अब समझते हैं कि भैया इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, सॉल्यूशन जानने से पहले आपको अपना प्रॉब्लम को चेक करना होगा कि आपका किस प्रकार के प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भी थ्री प्रकार के होते हैं, थर्ड स्टेप में होते हैं, ठीक है। पहला प्रॉब्लम है जिसको आप इजिली डिलीट करोगे, थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तो वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में फेसबुक आपके अकाउंट को रिव्यू करेगा, ठीक है, जिसके बाद वो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। लेकिन तीसरा जो स्टेप है ना भैया, वो सबसे खतरनाक है, उसमें आपको रिक्वेस्ट एंड रिव्यू का ऑप्शन ही नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, आपका सीधा अर्निंग रिस्ट्रिक्शन कर देगा, ठीक है। तो भैया तीसरा ऑप्शन में आपको कुछ आगे वाले स्टेप्स को फॉलो करने होंगे, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाते जाता हूं। अब तीनों प्रॉब्लम को बारी बारी से चेक करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फेसबुक खोलना है। फेसबुक खोलने के बाद देन आपको अपना फेसबुक के प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर चले जाना है। फेसबुक के प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर जैसे ही जाइएगा, या तो आपके सामने मोनेटाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा या फिर एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो मेरे सामने मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, देन आपको उस पर क्लिक करके यहां से आपका जिसमें भी मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ रखा है यहां पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा, आपको चले जाना। फिर यहां पे क्या कर रहा है, गो टू योर पॉलिसी इशू। तो सिंपली आपको गो टू योर पॉलिसी इशू पे क्लिक करना है। तो यहां से देखिए कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहां से क्या बोल रहा है, कंटेंट वायलेशन बोल रहा है, ठीक है, यानी ये पहला स्टेप है, कंटेंट वायलेशन बोल रहा है। तो देन आपको देखना है कि मेरे कौन से रील्स पे कंटेंट वायलेशन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, वाह क्या बात है, ये वाला एक जो भाई है, एक रिजवान नाम है उनका, उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे आईडी पासवर्ड सेंड किया था और बोला था कि सर इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो इनमें कंटेंट वायलेशन आया हुआ है, तो चलिए सबसे पहले कंटेंट वायलेशन में चेक करना है कि वह क्या बात है, एक सॉन्ग एक रील्स है इनका जिस पे कंटेंट वायलेशन आया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं कि डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए यहां से मेरे रील्स में जाते हैं। रील्स में जाने के बाद सबसे पहले आपको वहां से वो रील्स खोज लेना है, जैसे ये रील्स है, ये रील्स पे जो है कंटेंट वायलेशन आया हुआ है। तो बिना कोई मोह माया के आपको ये वाला रील्स को डिलीट कर देना है, ठीक है, डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, अकाउंट को इधर हटा देना है। हटाने के बाद यहां से फिर से फेसबुक खोलना है। फेसबुक खोलने के बाद सेम प्रोसेस में जाके देखना है कि मेरा जो प्रॉब्लम था वो फिक्स हुआ है या नहीं, ठीक है। जैसे बूम, जैसे ही मैंने रील्स को डिलीट किया, मेरे सामने वो कंटेंट वायलेशन वाला ऑप्शन हट गया और मेरा अकाउंट बिल्कुल एकदम फ्रेश और बिल्कुल, मतलब कि स्टेप फर्स्ट में आपको अगर कंटेंट वायलेशन आता है तो वहां से गो टू पॉलिसी इशू पे क्लिक करके आपको चेक करना है भैया कि मेरे कौन से रील्स के चलते कंटेंट वायलेशन आया। सबसे पहले आपको वो रील्स डिलीट कर देना है। जैसे ही आप रील्स डिलीट कीजिएगा, पहला ऑप्शन में आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्टेप टू, यानी कि दूसरा प्रॉब्लम के बारे में, जो कि इससे कुछ ज्यादा टफ है, ठीक है। चलिए स्टेप टू का सॉल्यूशन जानने के लिए यहां से मैंने दूसरा अकाउंट को लॉगिन कर लिया है, जिसमें देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड। जैसे ही मैं गो टू पॉलिसी इशू पे क्लिक करता हूं तो यहां से देखिए मेरे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन, ठीक है। और यहां से प्रॉब्लम में क्या बता रहा है, रिसेंट वायलेशन में बता रहा है अनओरिजिनल कंटेंट, और यहां से मेरे रील्स ओवरले जो है ना, ये जो है मेरा डीमोनेटाइज कर दिया गया है, मतलब पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी से हमको हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या करना, इस अवस्था में फेसबुक आपको नहीं बताएगा कि आपने कौन सी वीडियो में वायलेशन किया है, ठीक है। यहां से सिंपली कह रहा है कि अनओरिजिनल कंटेंट, मतलब आपका कंटेंट ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तब आपको इस अवस्था में क्या करना है, इस अवस्था में आपको क्या करना है कि आपको खोजना है भैया कि मैंने कौन सी कैटेगरी, कौन से कंटेंट में मैंने वायलेशन किया है, ठीक है। और जो गलती मैंने पिछले 6 गलती बताया था, अगर उन गलतियों में आप कोई भी गलती करते हो तो सबसे पहले आपको ढूंढ ढूंढ के, खोज खोज के आपको अपना रील्स को डिलीट कर देना है। जी हाँ, बिल्कुल डिलीट कर देना। अब ये मत कहिएगा कि मेरे सर उस पर 2 मिलियन व्यूज थे, उस पर 5 मिलियन व्यूज थे, उस पर 10 मिलियन व्यूज थे। इससे फेसबुक को एक पैसा भी लेना देना नहीं है, ना ही इससे फेसबुक को मतलब है। फेसबुक का कहना है कि आप अनओरिजिनल कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, तो भैया जब तक ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट नहीं करोगे तब तक आप एक रुपया भी थोड़ा कमा पाओगे। तो आपको ओरिजिनल रील्स क्रिएट करना था ना, तो आपने कॉपी पेस्ट वर्क किया, तो कॉपी पेस्ट का तो अलग फंडा था, तो आपको कॉपी पेस्ट के बारे में जानकारी नहीं था और आपने पोस्ट कर दिया,
तो आपको ढूंढना है, खोजना है कि आपका कौन सा रील्स जो है, कुछ या बताए थे ना, उसमें से देखना है कि आप कौन कौन से रील्स में वो छह गलतियों में कौन कौन रील्स मिलता जुलता, जो भी रील्स मिलता जुलता रहे सिंपली आपको उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट करने के बाद आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल या फिर पेज के ऊपर लाइव आना है, ठीक है, लाइव आना है, लाइव 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 आने के बाद आपको कम से कम 7 से 10 रील्स ओरिजिनल एकदम फ्रेश रील्स पोस्ट करना है। फ्रेश रील्स बोलने का अब क्या मतलब हुआ भैया, फ्रेश रील्स बोलने का मतलब हुआ कि मेरा जो यूट्यूब वाला वीडियो बन रहा है ना, इसको हम फ्रेश वीडियो बोला जा सकता है। फ्रेश रील्स बोलने का मतलब आपका ओरिजिनल ऑडियो ओरिजिनल वीडियो होना चाहिए, ठीक है, ना ही आपको किसी सॉन्ग्स पे वीडियो बनाना है, ना ही आपको किसी डायलॉग पे वीडियो बनाना है। अगर डायलॉग पे वीडियो भी बनाना है तो आपका खुद का मुंह से बोला गया वॉइस हो, आपको 7 से 10 अपलोड करना है ओरिजिनल फेस के साथ, आपको लाइव आना है। लाइव आने के बाद देखिए आपके सामने रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, देन आपको रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहां से आपके सामने रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू का एक पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो देन आपको अब क्या करना है, देखिए जितना मैंने बताया लाइव वीडियो फ्रेश वीडियो वो सब पोस्ट करने के 15 दिन के लगभग में, 15 दिन में आपको उतना काम कर देना, उसके बाद ही आपको रिक्वेस्ट एंड रिव्यू सबमिट करना है, ठीक है। पहले कीजिएगा कोई फायदा नहीं होगा, आपका रील्स वैसा का ही वैसा रह जाएगा, ठीक है। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएंगे, तो रिक्वेस्ट रिव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक कीजिएगा तो जैसे ही आप उसको सबमिट कीजिएगा, रिव्यू रिक्वेस्ट सबमिटेड मतलब आपका जो रिव्यू रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गया, और दोबारा से फेसबुक आपके अकाउंट को चेक करेगा और 2 से 3 बिजनेस डे में अगर आपके अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा तो आपका जो फेसबुक एड्स ऑन रील्स है ना भैया, उसको फेसबुक फिर से लौटा देगा। तो अगर आप इतना काम करके रखोगे तो वो जब आपके आईडी को चेक करने लगेगा तो उसको लगेगा कि भैया ये ओरिजिनल रील्स पोस्ट करता है, इसको मैंने गलती से दे दिया, तो फिर फेसबुक जो है आपका एड्स ऑन रील्स लौटा देगा। और तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप्स पता है क्या होता है, चलिए उसके लिए मैं एक और आईडी खोल के यहां से आपको दिखा देता हूं, ठीक है। क्या है, ठीक है, यहां से जाता हूं प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, देन मोनेटाइजेशन पे क्लिक करता हूं और यहां से एड्स ऑन रील्स पे क्लिक करता हूं, ठीक है। जैसे ही मैं एड्स ऑन रील्स पे क्लिक करता हूं तो गो टू पॉलिसी इशू पे क्लिक करता हूं तो यहां से भी बोल रहा है रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन और यहां से अन ओरिजिनल कंटेंट आ रखा है, ठीक है, लेकिन इनमें रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू का ऑप्शन नहीं दिया, तो आपको इस अवस्था में क्या करना है। तो भैया इस अवस्था में आपको क्या करना है कि जो मैंने बताया है आपको खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के अपने रील्स को डिलीट कर देना है, ठीक है। रील्स को डिलीट करना है, अगर किसी का सॉन्ग्स चेंज करने को बोले तो उसका सॉन्ग्स चेंज करना है। सॉन्ग्स चेंज करने के बाद ठीक है यहां से आपको क्या करना है कि हेल्प एंड सपोर्ट में जाना है, ठीक है। फिर यहां से रिपोर्ट ए प्रॉब्लम में जाके ओके करके यहां से आपको अपना रिपोर्ट जो है उतना काम करने के बाद आपको अपना रिपोर्ट सबमिट कर देना है, ठीक है। अगर आप उतना काम करने के बाद अपने रिपोर्ट को सबमिट कीजिएगा तो देन फेसबुक टीम आपके अकाउंट को चेक करेगा और इस चेक में 3 से 5 दिन तो वर्किंग डे बोलता है लेकिन भैया महीनों का समय लग सकता है, ठीक है। जो कि मैंने 2-4 अकाउंट को सॉल्व करवाया उसमें 20 से 30 दिन का लगा है, किन्नी किन्नी का 5-7 दिन में आ गया, किन्नी का तो देखिए वीडियो बनाते बनाते भैया रिजवान का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो मे बी आपका लग सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर फेसबुक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या रहता है ना मेरे भाई, तो देखिए फेसबुक से रिलेटेड मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है। पहले जाइए वीडियो को देखिए, मैंने पूरा टॉपिक को अच्छे से समझा रखा है, कैसे पेज बनाना है, कैसे पैसे कमाना है, कैसे वीडियो वायरल करना है, कैसे रील्स वायरल करना है, मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से समझा रखा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।